हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू चीजी कोड। ये वीडियो हमारी क्रोम डिबगिंग सीरीज की वीडियो से थोड़ी मिलती जुलती है। वैसे तो उस वीडियो सीरीज में मैंने सब चीज़ कवर कर ली थी, सारे टैब्स कवर कर लिए थे, बट कुछ चीज़ें अभी बची हुई हैं। जो चीज़ें कुछ नहीं आई हैं या मेरे बताना रह गया है या फिर मेरे को लगता है जो आपको जानना ज़रूरी है, मैं उन वीडियोज़ को और डालता रहूँगा उसी सीरीज से रिलेटेड। तो ये जो वीडियो है इसमें हम आपको कंसोल टैब के बारे में थोड़ा सा और बताएंगे। कंसोल टैब में आप कैसे और चीज़ें कर सकते हैं जिसके थ्रू आपकी डिबगिंग बहुत आसान हो जाएगी और बहुत सारी चीज़ों में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपको कोई बग ही आया हो, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ एनालाइज़ करनी है या कुछ भी आप देख रहे हो उसमें आपको हेल्पफुल रहेगी। तो आइए देखते हैं क्या क्या चीज़ें इसमें हम सीखने वाले हैं, वो चीज़ एक बार देख लेते हैं। तो ये मेरे टॉपिक हैं, इसमें मैं एक एक करके आपको बताऊँगा सारी चीज़ें, और जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस में बताने वाला हूँ मैं आपको। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले जानते हैं कि क्या है ये मॉनिटर और मॉनिटर इवेंट्स, क्या चीज़ है ये, क्यों हमें ज़रूरत है इसकी, क्या कर सकता है ये। ये मेरा पेज है एक नॉर्मल जिसमें मैं आपको कुछ कोड लिख के दिखाना हो या ये सब चीज़ दिखाता रहता हूँ, जो आपने मेरे पुराने डिबगिंग सीरीज़ वाली वीडियोज़ में भी देखा होगा। अब मैं डेवलपर टूल्स खोलता हूँ क्रोम के। तो ये है मेरी कंसोल टैब और मैं इसी के इर्द गिर्द आपको चीज़ें बताने वाला हूँ आज। बट पॉइंट ये है कि ये जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी क्रोम ब्राउज़र से रिलेटेड है। मैं किसी और ब्राउज़र में जाके अगर ये टेस्ट करना चाहूँ तो हो सकता है चल जाए, बट मोस्ट प्रोबेबली नहीं चलेगी। ये क्रोम की स्पेसिफिक यूटिलिटीज़ हैं जो आप कंसोल टैब में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है मॉनिटर और मॉनिटर इवेंट्स। तो मॉनिटर फंक्शन बेसिकली क्या करता है, कोई भी मेरा अगर मेथड है, मेरे को पता है, तो यूजली आपने देखा होगा सिनेरियो आता है कि मेरा ये वाला मेथड कब कब कॉल हुआ। मैं कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ कि मेरा बबलिंग के थ्रू ये वाला इवेंट कब कॉल हुआ या ये मेरा मेथड किस सीक्वेंस में कॉल हुआ, ये जानने के लिए मैं कंसोल डॉट लॉग लगाता हूँ हर मेथड में जाके कि दिस मेथड वॉज कॉल्ड दिस मेथड। तो कभी कभार हमें जानना होता है कि मेरा ये वाला इवेंट कैसे कॉल हो रहा है या ये वाला मेथड मेरा कैसे कॉल हो गया, उसका सीक्वेंस जानने के लिए हम लॉगिंग लगाते हैं। उसका ईजी वे आउट क्रोम ने प्रोवाइड किया है हमें, दैट इज़ मॉनिटर। तो पहले देखते हैं मॉनिटर इवेंट्स वो क्या चीज़ है। मैं यहाँ लिखता हूँ मॉनिटर इवेंट्स, इसके अंदर ये ऑब्जेक्ट लेता है कि किसके इवेंट मॉनिटर करने हैं, किस ऑब्जेक्ट के इवेंट मॉनिटर करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम विंडो ऑब्जेक्ट ही ले लेते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद लेता है ये एरे, एरे ऑफ इवेंट्स, कौन कौन से इवेंट्स आपको ट्रैक करने हैं, बेसिकली मॉनिटर कौन कौन से इवेंट करने हैं। तो सपोज मैं अभी दो इवेंट ले लेता हूँ, एक रिसाइज और एक ले लेता हूँ मैं स्क्रॉल। तो विंडो के दो इवेंट ले लिए जो मैं मॉनिटर करना चाहता हूँ कब कब कॉल हो रहे हैं। तभी मैं ज़रा इसकी विंडो की हाइट बहुत छोटी करता हूँ जिससे स्क्रॉल बार आ जाए। अभी स्क्रॉल बार आ गया, अभी मेरा ऑन स्क्रॉल मेथड कॉल हो रहा है। जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ ऑन स्क्रॉल मेथड कॉल हो रहा है और उस टाइम मेरे इवेंट की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं ये मेरे को यहाँ पे लॉक करके दिखा रहा है। साथ में रिसाइज़ भी हुआ है क्योंकि मैंने ये पेज का साइज़ चेंज कर रहा हूँ, इसकी वजह से रिसाइज़ भी कॉल हो रहा है मेरा। तो इस तरीके से मेरे को लॉगिंग नहीं लगानी पड़ी कि मेरा इवेंट कब कॉल हुआ, मुझे ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कंसोल में कि मेरा इवेंट कॉल हुआ है। अभी तो मैं मैन्युअली ये चीज़ कर रहा हूँ। अभी सपोज़ मेरे को बटन क्लिक या बटन का माउस ओवर वगैरह चेक करना हो, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने बटन के क्लिक के लिए माउस ओवर इवेंट भी लॉक किया था, वो मैंने कैसे किया था मैं आपको कोड में बस लिख के दिखा देता हूँ कि इसकी जगह मैंने क्या लिखा था। और इसको मैंने चेंज कर दिया था, ये स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट करा रखी थी जिसकी वजह से मैं जब भी माउस ओवर कर रहा था इस पर तो मेरा अपने आप इवेंट आ रहा था। तो आपको कभी बार सिनेरियो ऐसा आ सकता है जिस केस में आपके बहुत सारे स्ट्रक्चर बने हुए हैं डिव के स्ट्रक्चर और किसी भी चीज़ पे आपने बबलिंग लगा रखी है इवेंट की, तो कौन से वाला कॉल हुआ, किसका माउस ओवर कॉल हुआ, ये आप डायरेक्टली आप चेक कर सकते हैं कंसोल में। आपको कोई लॉगिंग लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको दिख जाएगा। ये हुआ मॉनिटर इवेंट्स को करना। अब सपोज मेरे को कोई मेथड को मॉनिटर करना हो, तो मैंने एग्जाम्पल के लिए ये मेरा पेज है इसमें मैंने जावास्क्रिप्ट यूज़ करी है ये वाली। अब मैंने ऑन रिसाइज पे एक रिसाइज मेथड कॉल किया है, तो मैं जब भी मेरा रिसाइज कॉल होगा तभी मेरा मेथड भी कॉल होगा। ऑल दो मैंने इसके अंदर कोड कुछ भी नहीं लिख रखा है, लेकिन आपको दिखाने के लिए ये मैंने मेथड बनाया है एक। तो इसकी मॉनिटरिंग लगाते हैं एक बारी, रिफ्रेश कर लेता हूँ पेज जिससे कि मेरा जो पुराने मॉनिटर हैं जो भी कुछ चीज़ है सब हट जाएगी। अब मैं लिखता हूँ यहाँ पर मॉनिटर और जो मेरे मेथड का नाम था जो मैंने रिसाइज पर कॉल किया है। मैंने अब इस मेथड की मॉनिटरिंग लगाई है ना कि इवेंट की। तो क्या होगा जब भी मैं अब रिसाइज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरे को बता रहा है कि मेरा ये वाला मेथड कॉल हुआ है, इस आर्गुमेंट के साथ हुआ है कॉल। तो इस तरीके से मैं जज कर पाऊँगा, मेरे को बिना कंसोल डॉट लॉग लगाए पता चल पा रहा है कि मेरा अच्छा ये वाला मेथड कॉल हो गया है अपने आप, क्योंकि मैंने विंडो रिसाइज किया है। ये तो रिसाइज का केस हो गया। अगर मेरा कोई क्लिक इवेंट है या कुछ भी है, कोई भी मेरा मेथड है
कभी भी मेरा किसी भी एक्शन पे कॉल हो रहा है, मैं तुरंत जज कर लूँगा कि कितने उसको पैरामीटर पास हुए हैं। अभी तो इवेंट है इसलिए ऐसे ऑब्जेक्ट इवेंट आ रहा है, अदरवाइज जो भी मेरा आर्ग्यूमेंट की वैल्यू होगी, स्ट्रिंग या वेरिएबल जो भी कोई मेरा होगा, वो मेरे को वैल्यू यहाँ दिख जाएगी। तो ये था मॉनिटर और मॉनिटर इवेंट्स। अब सपोज़ आपने मॉनिटर लगा दिया, आप चाहते हो अब ये हट जाए, तो अनमॉनिटर कर सकते हैं आप इसको इस तरीके से। इस मेथड का नाम दीजिए एंड इट्स डन। अब ये मेरे लिए मॉनिटर नहीं करेगा। आप मल्टीपल मॉनिटर लगा सकते हो मल्टीपल मेथड के लिए, सो दैट आपको कोई भी चीज़ चेक करनी हो उन सब का आप मॉनिटर लगा सकते हो। सेम इवेंट्स के साथ भी है, या तो आप एरे में दे दो उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए जितने आपको मॉनिटर लगाने हैं, या फिर इवेंट्स आप अलग अलग भी दे सकते हो, इट्स अप टू यू। तो आप अनमॉनिटर इवेंट्स भी कर सकते हो सेम तरीके से। अब आते हैं डीबग पे। अब सपोज मेरे को पता है कोई मेथड है, मैं या तो एक तरीका ये है कि मैं अंदर जाके डीबगर लिखता हूँ, उससे मेरा क्या होता है कि अपने आप जब भी वो मेथड एग्जीक्यूट होता है तब मेरा डीबगर वहाँ आके रुक जाता है। अगर मुझे ऐसा नहीं करना, या मेरे को नहीं ढूंढने का मन है, या मैंने सपोज प्रोडक्शन पे ही मेरे को चेक करना है और मेरे पास कोड का एक्सेस नहीं है, उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर लिखूँगा डीबग, उसके अंदर मैं लिखूँगा रिसाइज मेथड जो मेरा मेथड का नाम है, और एंटर दबा दूँगा। अब जब भी मेरा मेथड कॉल होगा अपने आप डीबगर वहाँ पर हिट हो जाएगा। सपोज़ मैं दोबारा अब रिसाइज करता हूँ, ये मेरा अपने आप यहाँ पे कोड के अंदर डिबगर आ चुका है। तो अब मैं इसको डिबग कर सकता हूँ, पूरा F10 वगैरह दबा के मैं इसको आगे जा सकता हूँ। अभी के लिए मैं इसको आगे निकाल देता हूँ। तो इस तरीके से मेरा डिबग काम करता है। सेम जैसे मैंने अनमॉनिटर किया था, सेम मैं अनडिबग भी कर सकता हूँ, जिससे कि दोबारा ना आए इसके अंदर, और मेरे को मेथड का नाम देना पड़ेगा इसके अंदर। अब ये मेरा इसके अंदर डिबगर हिट नहीं करेगा। सो इस तरीके से आपकी थोड़ी डिबगिंग हेल्पफुल हो जाएगी यूजिंग क्रोम। फिर आता है आपका $_। ये क्या करता है, बेसिकली इसका काम ये है, जो भी आपकी लास्ट एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट का रिजल्ट होगा वो इस वेरिएबल में प्रेजेंट रहता है। अब सपोज़ मैंने कुछ बड़ी सी चीज़ लिख दी है जिसको मेरे को बाद में यूज़ करना होगा, जैसे कि सपोज़ मेरी ये स्टेटमेंट है। अब मेरे को इस स्टेटमेंट के साथ कुछ भी करना हो तो मैं जाके, अगर सपोज़ मेरे को टू लोअर ही करना है इसको, तो मेरे को इतना पूरा दोबारा लिखने की बजाय अगर मैं डायरेक्टली ये कर देता हूँ तो ये मेरा काम बन जाएगा। सो बेसिकली ये जो $_ है क्या करता है, जो मेरी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है लास्ट, उसका जो रिजल्ट सेट है उसको अपने पास स्टोर करके रख लेता है। तो मेरे पास जो भी कुछ लास्ट स्टेटमेंट का रिजल्ट होगा उसमें मेरे को कोई भी चीज़ करनी है तो मेरे को पूरा नहीं लिखनी पड़ेगी वो स्टेटमेंट। इज जस्ट दैट कि मेरे पास $_ के अंदर वो लास्ट स्टेटमेंट है, मैं उसका कुछ भी कर सकता हूँ। तो अभी तो मैंने नॉर्मल आपको स्ट्रिंग निकाल के दिखाई है, अगर मेरे पास कोई एरे में डेटा आ रहा हो, उसको मैंने मैनिपुलेशन किया हो, उसका मेरे को रिजल्ट सेट चाहिए हो, तो मेरे को दोबारा ना लिखना पड़े, तो उसके लिए मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ $_। आपको बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ आएगा अगर आप कंसोल पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं। फिर आता है कीज़ और वैल्यूज़। अब सपोज़ मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ जेसन का, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया एम्प्लॉय नाम से। तब इस ऑब्जेक्ट में ये मेरी की है, ये वैल्यू है, की वैल्यू की वैल्यू। अब मैं सपोज़ चाहता हूँ कोई मेरी रिक्वायरमेंट है जिस केस में मेरे को जेसन की सारी कीज़ चाहिए, जैसे कभी कभार हमारे पास रिक्वायरमेंट ऐसी बन जाती है, हमें आइट्रेट करना पड़ता है कीज़ के ऊपर, उस केस में हम क्या कर सकते हैं, अगर मैं कीज़ करूँगा और उसके अंदर मैं प्रोवाइड कर दूँगा मेरा कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो मेरे को सारी कीज़ का एरे दे देगा ये। सेम चीज़ है मेरा वैल्यूज़ के साथ, इसने मेरे को वैल्यूज़ दे दी सारी। तो कभी आपको इन दोनों की ज़रूरत पड़े तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने डिबगिंग प्रोसेस को और इजी करने के लिए। फिर इस वीडियो का सबसे लास्ट वाला पार्ट है जो कि है कॉपी, इसको क्लियर कर देते हैं। अब कॉपी फंक्शन को समझने के लिए सपोज एक मैं जनरेट करता हूँ बड़ा सा डेटा, ये मैंने ऐसे रैंडम जेसन जनरेट करके डाला है। तो अज्यूम करते हैं कि सपोज़ मैंने कंसोल लॉग करवाया है डेटा किसी रिक्वेस्ट का, अब मेरे को ये अपने क्लिपबोर्ड पे चाहिए डेटा। मैं चाहूँ तो इसको कॉपी नहीं कर सकता, या फिर कुछ जुगाड़ लगा के कर सकता हूँ, जैसे मैं जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई कर सकता हूँ। ये मेरे पास पूरा स्ट्रिंग में आ गया है, फिर मैं इसको कॉपी करूँगा अपने क्लिपबोर्ड में, मेरे पास तब आएगा इसका। लेकिन एक छोटा तरीका ये होता है कि मैं यहाँ पे लिखूँ कॉपी, लिखूँ यहाँ पे बिग डेटा, डन। अब मैं आपको अगर यहीं पेस्ट करके दिखाऊँ तो मेरे क्लिपबोर्ड में जो डेटा पड़ा है
ये पूरी मेरी जेसन है प्रॉपर तरीके से। अब ये मेरी जेसन जो है वो स्ट्रिंगिफाई नहीं है, ये नॉर्मल मेरी पूरी जेसन है, पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में इस तरीके से मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ये क्रोम की तरफ से कंसोल में यूटिलिटीज़ हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं डिबगिंग सेशन अपना थोड़ा ईजी करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस देखने के लिए। अगर आप जावास्क्रिप्ट डेवलपर नहीं हैं या कोई और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल में बहुत सारी वीडियोस हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं। और आप हमें अपने कमेंट्स दे सकते हैं, आपको ये वीडियो अच्छी लगी, कुछ इसमें अच्छा करा जा सकता है या कोई स्पेसिफिक वीडियो आप चाहते हो तो आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग चीजी कोड। हैप्पी लर्निंग।